म्यूजिक आर्ट डांस मैड। अगर मेरी तरह आप भी लेट 90s एंड अर्ली 2000s वाली जनरेशन के हो तो आपको इन तीन शब्दों का मीनिंग जरूर पता होगा। मैड एक ऐसा शो था जिसने हमारी जनरेशन को डिफाइन किया था, चाहे आप खुद आर्टिस्ट थे या नहीं, बट स्टिल हर संडे पोगो पर मैड देखना एक रिचुअल सा बन गया था। सो हे गाइस, माय नेम इज सोहम एंड वेलकम बैक टू वंडर वाई सी, एंड आज हम बात करेंगे मैड के बारे में ऑन द सेकंड एपिसोड ऑफ इंडियन नॉस्टैल्जिया। सो एज द वेरी नेम सजेस्ट, मैड यानी कि म्यूजिक आर्ट एंड डांस 2005 में पोगो टीवी पर आया था और इसके बहुत बार रीरन्स भी दिखाए गए टीवी पर। किड्स, टीन्स एंड इवन अडल्ट्स में ये शो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था बिकॉज ऑफ इट्स लेट बैक एटीट्यूड और इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट। एंड इसका श्रेय जाता है इस शो के मेन होस्ट एंड डायरेक्टर रॉब AKA हारून रॉबर्ट को। ट्रेडिशनली कोई भी आर्ट रिलेटेड शो काफ़ी सीरियस एंड सॉलम मैटर हुआ करता था, बट मैड एटलीस्ट इन इंडिया वॉज अ पायोनियर। बिफोर द आउटबर्स्ट ऑफ YouTube, ये पहला प्रॉपर DIY शो था जो किड्स पर टारगेटेड था। नाउ सम ऑफ यू माइट से कि ये DIY शो का फॉर्मूला इज नॉट समथिंग वेरी न्यू, क्योंकि ब्रिटिश टीवीज पर ऑलरेडी आर्ट अटैक आ चुका था, एंड आई अग्री विद दैट, बट मैड वॉज अ लॉट मोर देन आर्ट अटैक बिकॉज मैड सिर्फ ड्रॉइंग एंड पेंटिंग का शो नहीं था। लाइक द नेम सजेस्ट, इसमें म्यूजिक भी था और डांस भी था। And all of this was presented in a superb manner, full of interesting as well as informative stuff. There were some minor changes every season, lekin is show mein mostly ye sare segments hua karte the. Make it easy, animate, in motion, in stereo, in action, and my personal favorite, the big picture. Ye sare sections ek dusre se kafi different hua karte the, and they were quite fun and informative in themselves. In sections mein art pe to focus hota hi tha, बट साथ ही म्यूजिक एंड डांस भी रहता था। एंड एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फोर सीजन्स द डांस एंड म्यूजिक सेक्शंस हैपेंड इन अकॉर्डेंस टू द थीम ऑफ द एपिसोड्स। दे वर मोस्टली डन बाय द फीमेल होस्ट एंड किड्स। इसके अलावा एनिमेट भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट हुआ करता था। इसके साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा DIY सेगमेंट्स होती थी फ्रॉम टाइम टू टाइम, फॉलोड बाय स्टूडियो सेगमेंट इन सम स्पेशल एपिसोड्स जहां कोई स्पेशल गेस्ट आते थे, लाइक ओरिगामी आर्टिस्ट हिमांशु अग्रवाल, इंडियन कोरियोग्राफर एशली लोबो एटसेट्रा। एंड बिग पिक्चर की तो बात ही कुछ और थी। इसमें मेरा फेवरेट दो पर्टिकुलर सेगमेंट था। एक था अमिताभ बच्चन सर का बिग बी पोर्ट्रेट विथ न्यूमर स्मॉलर फोटोग्राफ्स, एंड दूसरा था मुंबई के ओशन के अलोंग एक ग्लास पर स्पॉन्ज पेंटिंग दैट डिपिक्टेड अ मॉन्स्टर सी क्रिएचर। आई लव दीज टू सेगमेंट्स। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हुआ करते थे, बट द यूनाइटिंग फैक्टर अमॉन्ग ऑल ऑफ देम वॉज फन एंड लर्निंग। बाइजूस ने तो अभी स्लोगन दिया है कम फॉल इन लव विथ लर्निंग, लेकिन ये तो ओरिजिनली रॉब ने ही कर दिखाया था मैट के साथ। मुझे आज भी वो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स एंड रॉक गार्डन्स वाला एपिसोड याद है वेयर रॉब वेंट टू अ फेमस रॉक गार्डन एंड गेव रियली अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, और दैट वन पर्टिकुलर पॉटरी थीम्ड एपिसोड विच वॉज सो मच फन। यार तुम लोग को नहीं पता होगा बट आई वॉज सो फ्रीकिंग जेलस ऑफ द किड्स हु अपीयर्ड ऑन मैट बिकॉज आई टू वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो सो मच because I loved it so much. Rob was not only an art teacher for us, but rather he was that one cool uncle we always wanted to have in life. Rob, jinka actual naam tha Harun Robert, ek trained animation filmmaker hai. Inhone MAD join karne se pehle bhi bachcho ke liye kafi sare animated content design kiye the. Plus he is an alumnus of the National Institute of Design and College of Art Delhi. An extremely hardworking and multi-talented person, Rob ne MAD join kiya tha to design the production, but later on he became the host and the face of our childhood. Thank you Rob sir for bringing out the artist in all of us and for being the coolest teacher ever. And guess what's the best part? I actually got a reply from Rob on Instagram on numerous occasions. It was such a big fanboy moment for me. Like jisko tum bachpan se TV par dekha karte the, admire kiya karte the, aaj unhone tumhare text ka reply kiya ho. It was just mesmerizing for me. I love this show a lot and mere hi tarah hazaron bachchon ne is show ko pasand kiya tha and isse kuch seekha bhi tha. And I can say that's a huge thing. Bachchon ka attention grab karna through a TV show and then giving them valuable knowledge about various forms of art and our own culture is a very big deal. So this was a commendable job worthy of all the praises. So a big thank you to Rob sir and the other co-anchors like Candy, Deepthi, Sid, Chinu, Rumana and the child actors. Thank you for making Mad such a big part of our childhood.
Moreover, you can also check out Rob's YouTube channel, Mad Stuff with Rob, which has some really amazing stuff. Definitely give it a watch on YouTube. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Give this video a thumbs up if you liked it. Subscribe to the channel for more. This is Wonder YZ, and I'll see you soon in the next video.